हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे गवर्नमेंट स्कीम्स की, जो कि 2017 और 18 में होने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। जैसे यूपीएससी एग्ज़ाम की डेट भी आ गई है, 3 जून को होगा इसका एग्ज़ाम, 3 जून, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। और जब एग्ज़ाम पास आने वाला होता है तो हम सभी को लगता है कि जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स हो गई या करेंट अफेयर्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, बहुत ही कंसाइज वे में और सभी चीज़ें ना एक जगह मिल जाएं, तो इसके लिए मैंने ये गवर्नमेंट स्कीम्स का मिनिस्ट्री वाइज स्कीम्स जितनी भी हैं कलेक्ट करी हैं। और तो पहले आज मैं किसी एक मिनिस्ट्री की सारी स्कीम्स को डिस्कस करूँगा, उसके बाद और भी मिनिस्ट्रीज़ का हैं तो वो सारी नेक्स्ट वीक और 15 डेज़ के अंदर सारी कवर हो जाएंगी। तो आप एक दो बार भी ये वीडियो लेक्चर्स देख लोगे ना, तो वहाँ के जो क्वेश्चंस होते हैं एग्ज़ाम में वो पूरे के पूरे आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो ये पहला लेक्चर है और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपको कुछ भी लिखना नहीं है, जो भी स्कीम्स कराएंगे या जो भी स्कीम्स आप इस पर पढ़ोगे आप उसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो, तो उसके बाद चाहे प्रिंट निकाल लो या फिर आप अगर मोबाइल या कंप्यूटर में ही पढ़ना चाहते हो तो आराम से पढ़ सकते हो। तो उसको आप डाउनलोड करना चाहते हो तो आप मेरी वेबसाइट है www.learningveda.com, वहाँ पे जाके गवर्नमेंट स्कीम सेक्शन में जाइए और वहाँ पे वीडियो लेक्चर भी आप वहाँ पे भी देख सकते हो, और उसके नीचे एक लिंक दिया होगा PDF का, आप उस पर क्लिक करोगे तो PDF आपकी डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, अगर फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम आती है, कुछ होता है, तो आप वीडियो में नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज हम पहली मिनिस्ट्री देखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। मैंने पहले यही मिनिस्ट्री उठाई क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इसी में से आते हैं। अगर आपको 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो 2 से 3 क्वेश्चन तो इसी एग्रीकल्चर रिलेटेड जो स्कीम्स हैं उन्हीं से आता है। आप पुराने पेपर भी उठा के देख सकते हो। तो आज मैंने सिर्फ 19 हैं जो इंक्लूड करी हैं, यही मुझे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगी, और जो भी टेस्ट सीरीज़ वगैरह चल रही हैं उनमें भी हमने देखा तो इन्हीं से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बहुत सारी पॉपुलर स्कीम्स हैं जो 2014 में अनाउंस हुई थी, फिर भी आज भी उनका रिलेवेंस है और वो पूछी जा रही हैं, तो वो भी इंक्लूडेड हैं। और जो अभी करेंटली बजट वगैरह में और इन सब में अनाउंस हुई हैं वो भी इंक्लूड करी हैं। जो कुछ बची हैं या जो आगे होंगी उन्हें मैं अपडेट कर दूंगा, कोई एक वीडियो बना लेंगे अपडेटेड वाला 1 महीने पहले और उसे देख लेंगे। ठीक है, तो स्कीम्स में पहले बात करने से पहले देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आगे टर्म्स यूज़ करूँगा, वो बार बार डिस्कस नहीं करेंगे। और जो मैं डिफरेंस अभी कंपेरिजन करके बताने वाला हूँ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स और सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, इन दोनों के बीच में ये डायरेक्टली भी पूछ लिया जाता है SSC वगैरह में या स्टेट PSC जो एग्ज़ाम होते हैं। तो जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स होती हैं, जिसके नाम से ही देख रहे हो कि जो सेंटर उनको अनाउंस करेगा या यूनियन गवर्नमेंट जो उनको अनाउंस करेगी और उनको इम्प्लीमेंट करेगी। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड का मतलब हो गया वो स्कीम्स जिनमें कुछ पैसा सरकार देगी और कुछ पैसा हमारी स्टेट गवर्नमेंट को लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो कंपैरिजन देख लेते हैं दोनों का। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, उनमें क्या होता है कि 100% जो भी पैसा लगता है, जो भी फंड दिया जाता है, वो यूनियन गवर्नमेंट ही देती है। ओके, और जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती हैं उनमें कुछ हिस्सा हमारी यूनियन गवर्नमेंट देती है और बाकी हिस्सा हमारी स्टेट गवर्नमेंट देती है। फिर सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में जिनका इम्प्लीमेंटेशन सेंट्रल सेक्टर की गवर्नमेंट की जो मशीनरी होती है उसके अंदर जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में अगर देखें तो वो उसका इम्प्लीमेंटेशन हमारी स्टेट गवर्नमेंट करती है। फिर देखते हैं कि आखिर हमारी 2 तरह की लिस्ट होती हैं, 3 तरह की लिस्ट होती हैं, यूनियन लिस् ट और स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो हमारी जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स होती हैं उनको यूनियन लिस्ट के अंदर सब्जेक्ट में रखा गया है, वो उनके बेसिस पे फॉर्मुलेट होती हैं, और जो कि हमारी ये स्टेट लिस्ट हैं जो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उनको स्टेट लिस्ट में रखा गया है ताकि स्टेट को थोड़ा सा
ये रहे कि हमें उन्हें प्रायोरिटी देनी है क्योंकि ये हमारे स्टेट लिस्ट में थी और इन्हें हमें इम्प्लीमेंट करना है, मोर अटेंशन हो इसके लिए, ठीक है। फिर ये कहते हैं कि जो ये जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स हैं उनका हमारे जो यूनियन लिस्ट के गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर पे कितना परसेंटेज होता है, तो वो 11% होता है, 11% ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इस पे यूज़ किया जाता है। और जो हमारी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं वो हमारे 10% ऑफ स्टेट गवर्नमेंट का होता है, नहीं सेंट्रल सेक्टर जो सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर उसमें 10% ही करता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि जो स्कीम्स हैं उनसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी होता है ना कि आप कोई स्कीम अगर पढ़ने जा रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि पूरा 2-3 पेज की स्कीम है तो पूरी पढ़ते जा रहे हो, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो ये होता है ना कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो टू द पॉइंट पढ़ने में हमें आपको ज़्यादा फायदा होगा, और बहुत सारी स्कीम्स हैं इसलिए टू द पॉइंट ही पढ़ना सही रहेगा। अदरवाइज आप डिटेल पढ़ते रहो, वहाँ पे जब आता है तो कुछ होता नहीं है। 2-3 ऑप्शन होते हैं जिसमें से आपको इतना ही पता होता है, 1 या 2 ऑप्शन कर पाते हो, तीसरे ऑप्शन में आप 50-50% खेलने लगते हो, ठीक है। तो पहले पूछा जाता है कि जो भी ये स्कीम है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर है या किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, ठीक है। तो पहला ये क्वेश्चन होता है। दूसरा होता है कि इसे किसने और कब लॉन्च किया था। पॉपुलर स्कीम जैसे उज्ज्वला स्कीम वगैरह हो गई, फसल बीमा योजना हो गई, ये सब ना मोदी जी ने किया था, इस डेट को किया था, ठीक है, कहाँ से किया था, तो ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं। वो सिर्फ पॉपुलर स्कीम्स में पूछा जाता है क्योंकि सबको सब कुछ याद नहीं होता। फिर ये स्कीम का टारगेट ईयर कब रखा गया है कि 2019 तक होगा, 2022 तक होगा, कब तक उसे कम्प्लीट होना है। फिर इस स्कीम से किस कम्युनिटी को बेनिफिट होने वाला है या कौन से सेक्टर को ज़्यादा फायदा होने वाला है, तो उस सेक्टर के बारे में रिलेवेंस पूछा जाता है। फिर उस स्कीम में पूछा जाता है जैसे इसको कितने फंड अलॉट हुआ है इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो ये थोड़ा ज़्यादा डिटेल में आ जाता है। तो ये ज़्यादा डिटेल जो है वो सब स्कीमों के बारे में नहीं पढ़नी है, उनसे रिलेटेड 1-2 पॉइंट डिटेल के होते हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारी नई नई स्कीम्स होती हैं जो अनाउंस की जाती हैं, पहले जो उसी फील्ड में चली आ रही 2-3 स्कीम्स होती हैं उनको एक स्कीम के अंडर कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह वो पूछ लिया जाता है कौन कौन सी स्कीम इस स्कीम के मेगा स्कीम के अंडर आ गई हैं, ठीक है। तो पहली स्कीम देखते हैं, सॉयल हेल्थ कार्ड। सॉयल हेल्थ कार्ड मीन्स स्वस्थ धरा खेत हरा। अगर आपकी जो ज़मीन है जहाँ पे आप प्रोडक्शन करने वाले हो, अगर वो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं जो हमारी फसल के लिए ज़रूरी होते हैं अगर वो उनसे भरपूर है तो हमारे खेत में प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। यही मोटिव है सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम का। तो ये तो हमें समझ आ गई कि इस स्कीम का थीम क्या है, ठीक। इससे क्या होता है कि जब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 3 में से 1 या 2 ऑप्शन ऐसे होंगे जो इससे रिलेटेड ही नहीं होंगे, तो आप उनको सीधे सीधे डिक्लाइन कर पाएंगे। तो बचेगा 1 या 2 ऑप्शन, तो आप 2 ऑप्शन तो आप उसको अगर नहीं भी आता है तो 10-50% तो कर ही सकते हो, ठीक है। तो एटलीस्ट हर स्कीम की आपको थीम जरूर पता होनी चाहिए कि किस इसकी थीम क्या है, रिलेटेड किस चीज़ से, ठीक है। तो ये लॉन्च की गई थी 2015 में राजस्थान में। फिर इसका जो इम्प्लीमेंटेशन हम देखेंगे कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे है, इसमें सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों 50-50% फंड दे रहे हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं कि इस स्कीम में और थोड़ा फर्दर डिटेल में जाते हैं कि इसका काम क्या है। तो ये क्या है कि सॉयल हेल्थ कार्ड एक तरह का एक कार्ड होता है जो इसमें ये इंफॉर्मेशन होती है जो एक किसान या फार्मर्स को ये दिए जाते हैं कि आपकी जो ये ज़मीन है उसमें न्यूट्रिएंट स्टेटस क्या है। मतलब अगर आप कोई फसल करने जा रहे हो तो उस फसल की कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं, तो क्या इस फसल के लिए जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो आपकी सॉयल में हैं कि नहीं है। अगर नहीं है तो क्या अप्रोप्रिएट डोज जो फर्टिलाइज़र हम लोग यूज़ करते हैं उसको उसकी कितनी मात्रा में यूज़ करनी है। अगर ये पता होगा तो हमारी फसल को जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो मिलेंगे और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो मेन ये काम होता है सॉयल हेल्थ कार्ड का। फिर
फिर हम बात करते हैं कि ये कार्ड कब अनाउंस होता है, कब इश्यू होता है, तो वो हर 3 साल में इश्यू किया जाता है। ये मतलब हमारे साइंटिस्ट या जो भी कह लो वो ये देखते हैं कि 3 साल के लिए तो हमने आपको जो सॉयल हेल्थ कार्ड दिया था वो काम करेगा, उसके बाद फिर न्यूट्रिएंट्स कम या ज़्यादा होने लगते हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से फिर से उसकी सॉयल की जांच की जाती है, ठीक। तो इसका टारगेट क्या है, टू प्रोवाइड सॉयल हेल्थ कार्ड टू ऑल 120 मिलियन फॉर्म होल्डिंग्स बाई दिसंबर 2017 तक, जो अभी दिसंबर था तब तक ये टारगेट रखा गया था कि 120 मिलियन फॉर्म्स को ये सॉयल हेल्थ कार्ड दिया जाना, ठीक। फर्स्ट फेज जो इसका था वो 2015 से 2017 जो कि कंप्लीट हो चुका है, और ये 100 मिलियन 120 का टारगेट था, 120 मिलियन का, जिसमें से 100 मिलियन दिया जा चुका है, ठीक है। सेकेंड फेज कब होगा, एक मई 2017 से स्टार्ट हुआ है और ये 2019 तक चलेगा, ठीक है, ओके। तो ये था इस स्कीम के बारे में डिटेल्स, जिसमें हमें मेनली वही कि ये 2015 में लॉन्च हुई थी, सेंट्रल स्टेट 50-50% दे रहा है। इसका मेन काम क्या है, न्यूट्रिएंट स्टेटस ऑफ द सॉयल, ये डिटेल देना फार्मर्स को, ताकि उसी के अकॉर्डिंग वो फसल अपनी प्रोडक्शन कर सकें, ताकि प्रोडक्शन और बढ़ जाए, ठीक है। तो हम दूसरी स्कीम देखते हैं। दूसरी स्कीम है इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। एग्रीकल्चर मार्केट जहाँ पे किसान अपना प्रोडक्शन लेके जाता है और बेचता है, ठीक है। इससे क्या होता है, जैसे एक किसी एरिया में किसान रह रहा है तो वो उसी एरिया की मार्केट में जाता था और वहाँ पे जाके अपना प्रोडक्शन बेच देता था। उसे पता ही नहीं होता था कि अदर कई एरिया ऐसे हैं जहाँ पे जो चीज़ उसने उगाई है वो वहाँ उगती ही नहीं दूसरी जगह, तो वहाँ पे उसकी वैल्यू ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा पैसों में खरीदी जा रही वहाँ पे। उसे ये पता ही नहीं होता था और वो बहुत कम पैसों में अपना प्रोडक्शन अपने एरिया में बेच देता था। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि जहाँ पे जिस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ तक वो चीज़ पहुँचे, तो वो जो जहाँ पे डेफिशिएंसी है या जहाँ पे कमी है उस फसल की, वहाँ पे भी अवेलेबल हो पाएगी वो, और जो किसान जहाँ पे उगा रहा है उसको भी ज़्यादा फायदा होगा, ज़्यादा पैसा मिल पाएगा। तो इसके लिए इन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक एक मार्केट बनाया, जिसे कहते हो ना इंटरनेट पे आप देखें और बेचें, ओएलएक्स पे बेचें, ऐसा कुछ ना, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। तो इस तरह की मार्केट बनाई वो, जो कि फिजिकली रिलेटेड है सारी मंडीज से, और उनके सारे रेट्स लेके एक बढ़िया नॉर्मलाइज रेट देता है किसी भी फसल का, ताकि खरीदने वाले का भी नुकसान ना हो और बेचने वाले का भी नुकसान ना हो, ठीक है। तो ये अप्रैल 14, 2016 में लॉन्च हुई थी, जिसे नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था। ये मोदी जी द्वारा लॉन्च की गई बहुत सारी स्कीम्स में से काफ़ी अच्छी स्कीम है, जिसका रिस्पांस भी काफ़ी अच्छा रहा है। तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब कि सारा का सारा पैसा हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ही लगा रही है। डिटेल्स में अगर हम देखें, वैसे इसका लोगो आप देख लीजिए, इसका थीम देख लीजिए, उत्तम फसल उत्तम इनाम। अगर आपने बहुत अच्छी फसल उगाई है तो आपको उसका इनाम भी अच्छा ही मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये एक तरह का ट्रेडिंग पोर्टल है, इस पोर्टल में जहाँ खरीद और बेचा जाता है, एक तरह का ये यूनिफाइड नेशनल मार्केट बनाया गया है, कि मतलब हर किसान के लिए एक ही तरह की मंडी जहाँ एक ही रेट हो। ये नहीं कि हमारे एरिया में अलग है, आपके एरिया में अलग है, तो अलग अलग दामों पे बेचा जा रहा है, नहीं, यहाँ पे सबके लिए दाम समान है। और ये तरह की इसे वर्चुअल मार्केट इसलिए कहते हैं क्योंकि फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, आप इंटरनेट पर जाके खरीद और बेच कर रहे हो, सभी फिजिकली ये सभी मार्केट से या सभी मंडियों से रिलेटेड होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, ताकि आपको सही दाम मिल सके। अच्छा, इसको फंड कौन कर रहा है, एग्रीटेक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जो कि सेटअप किया जाता है स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम के थ्रू। ये थोड़ा सा आप याद रखना, क्योंकि ये में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ही पॉपुलर स्कीम है
और इस पे क्वेश्चन बन रहे हैं, इसलिए इस चीज को याद रखना कि ये फंड किसके द्वारा, किस डिपार्टमेंट के थ्रू या किस फंड के थ्रू किया जाता है। तो ये ATIF और SFAC ये दो चीज याद रखना। अच्छा, मार्केट फी क्या होती है? ये एक सिंगल पॉइंट लेवी ऑन द फर्स्ट होलसेल परचेज फ्रॉम द फार्मर। जब पहला होलसेल परचेज किया जाता है तो एक ही जगह पे आपको ये फी देनी होती है। अच्छा, और इसके लिए और भी इसके साथ साथ कुछ किया जा रहा है, वो है सॉयल टेस्टिंग लेबोरेटरीज। जो मंडीज हैं वहाँ पे सॉयल टेस्टिंग लेबोरेटरीज भी हैं, क्योंकि वहाँ पे किसान आता है मंडी पे, तो उसको ये भी फायदा हो जाना चाहिए कि आप ये फसल उगा रहे हो तो आपकी जमीन में ये चीजें होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, इसे मोदी जी ने लॉन्च किया था 2016 में। ठीक, ये एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो कि सभी फिजिकल मार्केट हैं उनको कनेक्ट करता है, बट खुद एक वर्चुअल मार्केट है। ये इसलिए है क्योंकि पूरी कंट्री में आपको जेन्युइन प्राइस आपका, आपकी फसल का मिल सके। इसे फंड कौन करता है? इसे एग्रीटेक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है वो फंड करता है। आपको एक ही बार जब होलसेल परचेज आप करते हो तो सिर्फ आपको एक ही बार फीस देनी है, और हर मंडी में सॉयल टेस्टिंग लेबोरेटरीज बनाई गई हैं। ये हमने इसलिए थोड़ा सा मार्क अलग कर दिया ताकि जब आप रिवाइज करो तो इस तरह रिवाइज कर लो तो आपको इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट सामने ही दिख जाने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्कीम है ई राष्ट्रीय किसान एग्री मंडी। ये भी उसी तरीके से है जैसा कि अभी आपने पिछला पोर्टल देखा। ओके, ये लॉन्च हुई थी 1 अगस्त 2017 को। इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है? ज्वाइंट इनिशिएटिव वाई स्टेट रन ऑक्शनर MCTC एंड सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन आर। ये सेंट्रल की एक मशीनरी है और ये स्टेट की है, तो इन दोनों के ज्वाइंट इनिशिएटिव से चल रहा है ये। इस स्कीम की अगर डिटेल देखें तो इसे कहा जाता है कि एक तरह का डिजिटल प्लेटफॉर्म पोर्टल है जो कि फार्मर्स को ये सुविधा देता है कि वो अपने जो फसल है, अपने जो प्रोडक्ट है, उनको ऑक्शन के थ्रू बेच सके। ऑक्शन मतलब जैसे कि घर वर का नहीं बोली लगाई जाती है, बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, व्यापारी इकट्ठे होते हैं। जैसे हम अपना गेहूं बेचने गए तो गेहूं के लिए बहुत सारे लोग आए होंगे, उनमें कहा जाता है कि उस गेहूं की वैल्यू के हिसाब से ज्यादा प्राइस लग सके ताकि किसान को भी फायदा हो सके। ठीक है, तो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, आप अपने प्रोडक्ट वहां डालिए और वो लोग डिसाइड, कुछ समय अवधि दी जाती है, उस समय अवधि में वो लोग अपना बोली लगाते हैं कि हमें इतने रुपए में चाहिए, हमें इतने रुपए, तो जिसकी ज्यादा बोली होती है उसको वो चीज मिल जाती है। इसे ई रकम कहते हैं, इसीलिए इसे ई रकम कहते हैं। और फार्मर्स के लिए क्या फायदा है इसमें? मोर ऑप्शंस फॉर सेलिंग प्रोड्यूस एंड मेकिंग कॉम्पिटिटिव रिटर्न्स। यही है ना कि आपका अगर फसल अच्छा है, आपका प्रोडक्ट अच्छा है, तो आपकी वैल्यू भी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, इसीलिए फिर इसीलिए ई रकम सेंटर्स बनाए गए हैं। आर डेवलप्ड टू फैसिलिटेट फार्मर्स फॉर ऑनलाइन सेल फॉर दियर प्रोडक्ट। ऑनलाइन आप अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हो। अच्छा, और जो इसमें कोई इंटरमीडिएट पर्सन्स नहीं होते हैं, बिचवानी लोग नहीं होते हैं कि बीच में कुछ पैसा कुछ शेयर, नहीं, वो लोग खरीद लेते हैं। आप कमरा लेने जाते हो तो कमरे रेंट पे लेने जाते हो तो बीच में बिचौलिए जो होते हैं वो आपसे 1 महीने आधे महीने का रेंट मांगते ही मांगते हैं। तो उसी हिसाब से इसमें कोई मीडिएटर नहीं है, डायरेक्ट आप बेचो, आपके सीधे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। ठीक है, और इसमें लॉजिस्टिक सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाता है कि आपने अगर बेचा है तो यहाँ से वहाँ डिलीवरी के लिए भी आपको कुछ सुविधा दी जाएगी। ठीक है, इसमें दोनों लोगों को फायदा है ना, जो बेच रहा है उसको अच्छा प्राइस मिल रहा है, और बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें उनके एरिया में वो चीज़ नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने देखा कि डिजिटली ये प्लेटफॉर्म है, उस पर उन्होंने चेक किया, हाँ ये प्रोडक्ट है, तो उन्होंने देखा अगर हमारे बजट में आता है तो वो उसकी बोली लगा देते हैं और वो उसको खरीद लेते हैं। तो इसमें दोनों का फायदा है। ठीक, तो इस तरह से याद रखना कि ई रकम मतलब ऑक्शन के थ्रू अपना प्रोडक्ट आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बेच रहे हो, इसमें दोनों का फायदा है। ठीक, ये ज्वाइंट इनिशिएटिव है स्टेट और सेंट्रल का।
चलो अगली देखते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र। इससे ही समझ में आता है कि कुछ आपकी फसलों से रिलेटेड साइंटिस्ट लोग कुछ करेंगे, आपको बताएंगे कि किस तरह से आप फसल उगाओ तो आपका ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। इसके लिए देखते हैं क्या है। इसे लॉन्च किया था यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ठीक है। इसका इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और सेंट्रल इंस्टीट्यूट, ठीक है। इसकी डिटेल्स में अगर हम जाते हैं तो एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सेंटर्स क्रिएटेड बाई ICAR टू प्रोवाइड वेरियस टाइप्स ऑफ फार्म सपोर्ट्स टू द एग्रीकल्चर सेक्टर। वही है कि ICAR जो है वो हमारी रिसर्च से रिलेटेड है, इंडियन सेंट्रल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, कुछ ऐसा ही है, अभी आगे आएगा, अभी तो पूरी डिटेल आप देख लेंगे। तो इसमें फॉर्म सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इट इज़ क्रिएटेड टू सर्व अ सिंगल विंडो मैकेनिज्म फॉर एड्रेसिंग द टेक्नोलॉजी नीड्स ऑफ फार्मर्स एंड एक्ट्स एज अ लिंक एमंग रिसर्चर्स एक्सटेंशन फंक्शनरीज लाइक NGOs एंड फार्मर्स। इसमें यही है कि जैसे आपके यहाँ बहुत कम बारिश हो रही है फिर भी आप ऐसी फसल उगा रहे हो, चावल उगा रहे हो जिसमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो जाहिर सी बात है प्रोडक्शन भी कम होगा और जो आपकी अर्थ में जो पानी स्टोर है, जो वाटर स्टोर है, वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, आपके यहाँ सूखा पड़ सकता है। तो ये इस तरह ये सेंटर्स ऐसे होते हैं जो आपको सजेशंस देते हैं कि आपको क्लाइमेट के हिसाब से किस तरह की टेक्नोलॉजी और किस फसल को उगाना चाहिए। तो यही है, ये फार्म सपोर्ट्स क्या है, क्लाइमेट रेजिलिएंट टेक्नोलॉजी। जैसे आपके यहाँ कम बारिश होती है तो आप वो फसल लगाओ जिसमें कम पानी की ज़रूरत होती है और आपको फ़ायदा भी ज़्यादा हो। आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम दिए जाते हैं कि किस तरह से टेक्नोलॉजीज़ का, उन टेक्नोलॉजी जो आई हैं उनका यूज़ करना है। पहले देखो खेत कैसे जोते जाते थे, हल से जोते जाते थे, बहुत मेहनत लगती थी, टाइम ज़्यादा लगता था। अब ट्रैक्टर्स आ गए हैं, ट्रैक्टर्स और भी मशीनें आ गई जिनसे आधे घंटे के अंदर आपका खेत जोत जाता है और बहुत सारी टाइम भी बच जाता है। कटाई के लिए भी नई नई चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। आपको डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाए जाते हैं कि कैसे किया जाता है, आपके फॉर्म पे फॉर्म एरिया में जाके भी आपकी टेस्टिंग करके भी वो दिखा देते हैं। तो इस तरह का जो ये सपोर्ट है, टेक्नोलॉजी सपोर्ट जो रिसर्चर्स आजकल बना रहे हैं आपके सपोर्ट के लिए, ये कृषि विज्ञान केंद्र होंगे जो आपको इस तरह की सारी डिटेल देंगे, ठीक है। और ये एक तरह का कृषि विज्ञान केंद्र का एक पोर्टल भी बनाया गया है। वो पोर्टल क्या करता है, मॉनिटर करता है कि ये कृषि विज्ञान केंद्र है वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कि रिसोर्स यूटिलाइजेशन सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कृषि विज्ञान केंद्र आपको समझ आए गए होंगे। और इस पर क्वेश्चन भी आता है तो इसी तरह के आता है कि किस तरह का सपोर्ट ये प्रोवाइड कर रहे हैं, ये क्या है। कृषि विज्ञान केंद्र एक तरह का पोर्टल है, ठीक है। फिर बात करते हैं मेरा गांव मेरा गौरव। तो ये लॉन्च किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जुलाई 25 2015 को। इसका इम्प्लीमेंटेशन हमारा ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इसका इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है। मैंने कहा था कि जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड या सेंट्रल स्कीम्स होती हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन कोई ना कोई सरकारी एजेंसी या डिपार्टमेंट कर रहा होता है, उसी तरह जैसे ICAR, ठीक, यूनियन। इसकी स्कीम्स की अगर हम बात करें, डिटेल्स की बात करें, तो इसमें कहते हैं कि हमारे साइंटिस्ट हैं वो एक या दो, हर साइंटिस्ट जो भी साइंटिस्ट हैं वो गाँव को सिलेक्ट करेंगे और फार्मर को टेक्निकल नॉलेज देंगे कि आपको कैसे, जैसे कृषि विज्ञान केंद्र का काम था कि फार्मर्स को टेक्निकल सपोर्ट देना, आपकी खेती में क्या टेक्नोलॉजी यूज़ की जा सकती है, वैसे ही साइंटिस्ट हैं और वो विलेजेस को अपना सेलेक्ट करेंगे एंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे उनको कि टेक्निकल चीज़ें आप कैसे यूज़ कर सकते हो। और हाँ, कहते नहीं कि फार्मर्स अपनी क्वेरीज जो होते हैं, अपना जो उनको पूछना है कैसे यूज करें क्या करें, तो डायरेक्ट साइंटिस्ट से पूछ सकते हैं। तो उनके बीच में आपसी जो तालमेल अच्छा होना चाहिए, ठीक है। जो नई नई प्रैक्टिस आ रही हैं कि इस तरह से करो तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगा,
तो वो साइंटिस्ट को लगातार फार्मर्स को बताते रहना चाहिए हमारा आगे का क्लाइमेट कैसे रहने वाला है या क्लाइमेट के हिसाब से क्या खेती करनी है, आप वो भी बताते रहें। ठीक है, रेडियो न्यूज़पेपर्स का यूज़ कर सकते हैं उनको फसल के हिसाब से खेती के बारे में बताने के लिए कि खेती कैसे करनी है, तो इसके लिए आप रेडियो न्यूज़पेपर कम्युनिकेशन के लिए मतलब रेडियो न्यूज़पेपर यूज़ कर सकते हैं। स्वच्छ भारत अभियान, क्लाइमेट चेंज, वाटर कंजर्वेशन, सॉयल फर्टिलिटी, इन सब के लिए अगर जानकारी भी देनी है तो वो जानकारी के लिए आप रेडियो न्यूज़पेपर यूज़ कर सकते हैं। हाँ, इनके बारे में भी जानकारी देते रहना है। ठीक है, और फार्मर्स और साइंटिस्ट की मीटिंग के लिए कभी कभी मीटिंग भी अरेंज करते रहना। तो इस तरह की सारी मतलब जो साइंटिस्ट या रिसर्चर्स हैं उनकी फार्मर्स से कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेशन रखना, कैसे ऑर्गेनाइज करना है, वो सब चीज़ें इस स्कीम के थ्रू बताया गया, मेरा गांव मेरा गौरव। ठीक है, फिर बात आती है मिशन फिंगरलिंग। ठीक है, अब इसके नाम से हमें ये पता ही नहीं चल रहा है कि ये किस स्कीम किस फील्ड से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसको ये इस तरह की जो ये स्कीम्स होती हैं ये थोड़ा ट्रिकी इसीलिए होती हैं। ठीक, तो इसको याद रखना कि ये फिंगरलिंग जो है वो फिश से रिलेटेड है, फिश प्रोडक्शन। ठीक है, ब्लू रिवोल्यूशन है, ये नाम लिखा है यहाँ पे ब्लू रिवोल्यूशन। तो इनके कुछ टारगेट, ब्लू रिवोल्यूशन था, ये फिशेस से रिलेटेड था, मत्स्य पालन वगैरह जिसे आप कहते हैं, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा मछलियों का मतलब यूज़ कॉमर्शियल यूज़ कैसे किया जा सकता है उससे रिलेटेड था। तो इसमें लॉन्च की गई थी 15 मार्च 2017 को, अभी जल्दी ही लॉन्च हुई थी। इसका इम्प्लीमेंटेशन यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री तो बता ही रखी है। डिटेल्स ऑफ स्कीम, द मिशन एम्स टू अचीव इनहेंस्ड फिश प्रोडक्शन, वही है मत्स्य पालन जो किया जा रहा है उसको कैसे और ज़्यादा बढ़ाया जा सके, क्योंकि जो हमारे कोस्टल एरियाज हैं जहाँ पे समुद्र और हमारी धरती मिलती है वहाँ पे क्या होता है, उन लोगों के पास खेती करने के लिए कुछ नहीं होता, तो वो अपनी ज़िंदगी कैसे बिताएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मछलियाँ पकड़ेंगे और उन्हें सप्लाई करेंगे, बेचेंगे, उससे उनको प्रॉफिट होता है। तो इसलिए जो फिश प्रोडक्शन है वो बढ़ाया जाए, जैसा कि ब्लू रिवोल्यूशन जो आया था, जैसे ग्रीन रिवोल्यूशन आया था कि हमें प्रोडक्शन अपने यहाँ का अनाज का प्रोडक्शन बढ़ाना है ताकि सभी लोगों को ठीक तरीके से खाना उपलब्ध हो और उसका हम लोग एक्सपोर्ट भी कर पाएँ तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कंट्री कमा पाए, तो ये था। इसी तरह ये बनाया गया था ब्लू रिवोल्यूशन ताकि ये मत्स्य पालन और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके और फ़ायदा हो। 2020-21 इसका टारगेट रखा गया था, उसी के तहत ये मिशन फिंगरलिंग स्कीम शुरू की गई थी 2017 में। ठीक है, तो ये फिश सीड इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए, जैसे मत्स्य पालन के लिए हमें एक तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो चाहिए होगा कि इस ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मछलियाँ पाली जा सकें। ठीक है, ओके, तो हम थोड़ा वो जान लेते हैं ब्लू रिवोल्यूशन क्या होता है। तो ब्लू रिवोल्यूशन एम्स टू रिकॉग्नाइज द पोटेंशियल एंड पॉसिबिलिटीज इन द फिशरीज सेक्टर ऑफ द कंट्री बाई अनलॉकिंग कंट्रीज लेटेंट पोटेंशियल थ्रू एन इंटीग्रेटेड अप्रोच। ज़्यादा से ज़्यादा मत्स्य पालन बढ़ाना है, प्रोडक्शन बढ़ाना है ताकि हमारी कंट्री को फ़ायदा हो सके, उनके लिए जो भी पॉसिबल हमारे स्टेप्स हैं उनको लेना है कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर सही करना है, रेयरिंग पॉन्ड बहुत अच्छे बनाने हैं। ठीक है, तो वो सब उसी के तहत ये मिशन फिंगरलिंग एक स्कीम शुरू की गई। फिर आता है स्मॉल फार्मर्स एग्रीकल्चर बिजनेस कंसोर्टियम, एक तरह का ये डिपार्टमेंट है। ठीक है, इस्टेब्लिश किया गया था 1994 में। इसके बारे में SFSC जो है इसके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो इसीलिए मैंने इसको इंक्लूड कर लिया है। इसका इम्प्लीमेंटेशन वही डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर। ठीक है, ये डिपार्टमेंट है जो इसका इम्प्लीमेंट कर रहा है, वही ये अंडर है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ठीक है, इसके बारे में आप देख रहे हो लघु कृषक कृषि परिवार संघ, तो ये मतलब नहीं स्मॉल फार्मर्स के लिए जो बहुत कम लेवल पे खेती करते हैं उनके लिए है, उसकी स्कीम की डिटेल्स हैं। जो इसका जो उद्देश्य है वो जो न्यू वेंचर्स हैं, जो नई नई जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज बन रही हैं उनको प्रमोट करना है।
ठीक है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारी एग्रीकल्चर वैल्यू चेन है कि भाई फसल उगाई, उसे बेचा, उसे प्रॉफिट हुआ, तो उसमें जो हमारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, जो नए नए एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, उनको प्रमोट करना है। ठीक है, इसके बेनिफिशरीज कौन कौन होंगे, जो उगा रहे हैं, जो खेती कर रहे हैं वो हैं फार्मर्स हैं, प्रोड्यूसर ग्रुप्स हैं जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको और अच्छा बना रहे हैं, जिन्होंने पार्टनरशिप करी है इस वेंचर में। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो गाँव में बनाए जाते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं जो मिल के पैसे इकट्ठे करके कोई नया व्यापार शुरू करते हैं, जैसे खेती में लगाते हैं, तो उनको फ़ायदा होगा क्योंकि नए नए जो वेंचर्स बन रहे हैं, ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जो बन रही हैं, गेहूँ आ गया, अब गेहूँ का क्या यूज करें, आटा बनाने के लिए कोई इंडस्ट्री लगेगी, तो उन सब इंडस्ट्रीज में इस प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए ये कंसोर्टियम बना है। ठीक है, 1994 में स्टेब्लिश हुआ था, इम्पोर्टेंट है ये चीज़। किस डिपार्टमेंट के थ्रू इम्प्लीमेंट हो रहा है, ये भी इस चीज़ में इम्पोर्टेंट है, और किससे रिलेटेड है, न्यू वेंचर्स एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, इंडस्ट्रीज में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उनको प्रमोट करने के लिए। ठीक, फायदा किसको होगा, फार्मर्स को जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको, जो पार्टनर्स हैं उनको, ठीक है, और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जिन्होंने पैसा लगाया है गाँव के कुछ लोग में मिलकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। फूड सिक्योरिटी मिशन इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हमारे यहाँ कोई भी भूखा ना सोए या भूख की वजह से कोई ना मरे। ठीक है, 29 मई 2007 को ये लॉन्च हुआ था, इसका इम्प्लीमेंटेशन, अच्छा ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, क्योंकि देखो जो सेंटर और स्टेट जो हैं वो 50-50% स्पेंड कर रहे हैं, फंड कर रहे हैं जो फूड क्रॉप्स हैं जिनका खाने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे, और जो सेंट्रल है वो टोटल 100% किस में फंड कर रहा होगा, जो कैश क्रॉप्स हैं। कैश क्रॉप्स मतलब जैसे कॉटन हो गया, कैश क्रॉप है जिसका काम सिर्फ बेच देना है और पैसे कमाना, उसको खाते नहीं। ठीक है, डिटेल्स ऑफ स्कीम देखें, इट इज़ लॉन्च टू इन्हेंस द प्रोडक्शन ऑफ राइस, व्हीट, पल्सेस, कोर्स, कैरियल्स एंड कॉमर्शियल क्रॉप्स, कॉटन, जूट, सुगर केन। कॉमर्शियल क्रॉप समझ के जो कैश क्रॉप्स यही हैं, कॉटन, जूट या सुगर केन। ठीक है, प्रोडक्शन इन्हेंस करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है, इसका टारगेट ही यही है कि ताकि इन चीज़ों का प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके, राइस, व्हीट, पल्सेस। ये पूछा जा सकता है कि सेंटर स्टेट की इसमें फंडिंग का क्या, ठीक, कब लॉन्च हुई थी, ये किस लिए यूज हुई, इन्हेंस द प्रोडक्शन, और इसका टारगेट वही, इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ राइस, व्हीट एंड पल्सेस। इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस की बात करें तो इसमें क्लस्टर डिमॉन्स्ट्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाई ईल्ड सीड्स, फार्म मैकेनाइजेशन एंड इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, फर्टिलाइजर कितना यूज करना है, पेस्ट मैनेजमेंट कैसे करना है ताकि कोई कीड़ा वगैरह लग के हमारी जो क्रॉप है उसको ख़राब ना कर दे। ठीक है, और वो बीज हमें देने हैं, वो बीज हमें यूज़ करने हैं जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, जैसे हमारे ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था तो उस टाइम में वो हाई यील्ड, मतलब जो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देते हैं, ऐसे बीज का यूज़ किया गया था, तो वो बीज यूज़ करना है और कौन सी मैकेनिज़म यूज़ करनी है उनको प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में। ठीक है, ये याद रखना कि जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है वो डिफरेंट है मिशन से। मिशन का काम क्या है कि हमारी प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाना है, और फूड सिक्योरिटी एक्ट जो आता है उससे ये होता है कि ये देखना, ये नियम लागू करना, ये इस तरह से वो स्टेप्स फॉलो करना कि खाना सबके पास पहुंचे, हंगर ना हो किसी का। ठीक है, तो ये डिफरेंस याद रखना, मिशन वो है जो इन्हेंस करता है, यही तो ट्रिकी पॉइंट है, पूछ देता है मिशन और उसमें वही सिक्योरिटी वाली, एक्ट वाली बातें लिख देता है तो लोग ये सही कर देते हैं, सिक्योरिटी मतलब खाना सबको पहुंचे। ठीक, ये चीज़ है, ये याद रखना, राइस, व्हीट, पल्सेस, कैरियल्स एंड कॉमर्शियल क्रॉप्स। ठीक, आगे बढ़ते हैं, नेशनल इनिशिएटिव ऑन क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर, NICRA, फरवरी 2011,
लॉन्च हुआ था, इसका इम्प्लीमेंटेशन जो कर रही है वो इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, देखो हर जगह लगभग कई जगह इसका नाम आया है, तो इसका नाम याद ही रख लो, याद ही हो जाएगा अब तक तो। ठीक है, अगर हम डिटेल देखें तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है स्ट्रेटेजिक रिसर्च, टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। स्ट्रेटेजिक रिसर्च फिर वही चीज़ है कि हम इस तरह की खेती करें जिससे हमारी क्लाइमेट पे फर्क ना पड़े। ठीक है, इसका और एक भी तरीका हो सकता है कि जैसे हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ बारिश कम हो रही है, फिर भी हम ऐसी ऐसी प्रोड्यूस ऐसी फसलों का प्रोडक्शन कर रहे हैं जिनमें ज़्यादा पानी लगता है, तो इससे क्या होता है, बहुत जल्द कुछ सालों बाद हमारे यहाँ पानी की कमी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी और सूखा पड़ जाएगा। तो हम इस तरह से कुछ प्लान करें या इस तरह से लोगों को जानकारी दें कि वो इस तरह की खेती करें कि हमें जो क्लाइमेट है, जो हमारा क्लाइमेटिक नीड्स हैं, उन पे ज़्यादा फर्क ना पड़े। ठीक है, तो वही स्ट्रेटजिक रिसर्च, इस तरह से रिसर्च करो वहाँ के एरिया पे कि क्लाइमेट पे ज़्यादा फर्क ना पड़े। जैसे बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र हम लोग यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी ज़मीन बंजर होती चली जाती है, तो कितना फर्टिलाइज़र यूज़ करना है, कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ करना है, उसका भी प्रॉपर जानकारी जो है वो किसानों को होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन, अगर कोई टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ स्प्रिंगल वगैरह यूज़ किया जाता है ना, कि सिंचाई इस तरह से कम पानी में पूरे खेत में सिंचाई हो जाए, तो उस तरह की टेक्नोलॉजीज आ गई हैं अब। ठीक, तो वो सब बताना। इट एम्स टू मेक फार्मर्स सेल्फ रिलायंट बाय यूज ऑफ क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज। जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जैसे नदियां हैं, तो वो नदियों के पानी से सिंचाई, अगर नदियों के पानी में नहीं आ रहा तो आप क्या करते हो, बोरिंग वगैरह कराते हैं खेत में ताकि सिंचाई की जा सके। तो जो मैन मेड हमारे पास रिसोर्सेज हैं और जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, बारिश वगैरह, उनका कैसे मैनेजमेंट किया जाए, पानी को कैसे इकट्ठा रखा जाए ताकि जब बारिश ना हो रही हो तो ज़रूरत पड़ने पे हम सिंचाई कर सकें, जिससे हमारा किसान जो है वो सेल्फ रिलायंट हो सके। तो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए, कि हमें स्ट्रेटेजिक रिसर्च करनी है कि वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से किस तरह खेती करनी है, क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, किस तरह से पानी वगैरह इकट्ठा करना है ताकि हमारा किसान जो है वो सेल्फ रिलायंट हो, खुद पे निर्भर करे। ठीक है, और हमारे जो मैन मेड रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनका कैसे प्रॉपर मैनेजमेंट किया जाए और कैसे यूज किया जाए। ठीक है, तो फोर कंपोनेंट्स हैं इसके, चार क्या क्या कंपोनेंट हैं, स्ट्रेटेजिक रिसर्च ऑन एडॉप्टेशन एंड मिटिगेशन। जो हमारे पास चेंजेस हो रहे हैं, क्लाइमेट के चेंजेस हो रहे हैं, उनको कैसे हम एडॉप्ट करें, दूसरी चीज़ उन और उनसे जो होने वाले नुकसान हैं या उनको होने वाले नुकसान को रोकने के लिए क्या हमें करना है, मिटिगेशन वगैरह। ठीक है, जो करंट क्लाइमेट है, जो क्लाइमेट धीरे धीरे बदल रहा है, उसके हिसाब से हमें टेक्नोलॉजी भी कैसे बदलनी है। ठीक है, तो वो 100 वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट की जाएंगी और उसमें टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन करके हम दिखाएंगे कि नए क्लाइमेट के हिसाब से कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है। ठीक, तो ये था हमारा NICRA। उसके बाद बात करते हैं हम नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी से आप रिलेटेड देख रहे हो कि किस तरह से हमें टेक्नोलॉजी अपने खेतों तक पहुंचानी है। ठीक है, तो फरवरी 2014 में ये लॉन्च हुई थी, और जहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिया है उसका मतलब वही समझिए कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड मिनिस्ट्री के अंडर है, किसी प्रॉपर स्पेसिफिक डिपार्टमेंट को अलॉट नहीं की गई है। ठीक है, तो यह मुझे ढूंढने पे नहीं मिली इसलिए मैंने इंक्लूड नहीं किया है, तो आप देख सकते हो। इसके सबमिशंस कुछ रखे गए हैं, तो वो सबमिशंस के नाम आप देख लीजिएगा, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल, एग्रीकल्चरल मैकेनिज्म मैकेनाइजेशन, प्लांट प्रोटेक्शन एंड प्लांट क्वारंटाइन।
ठीक है, फोर सबमिशंस भी इसके रखे गए हैं। तो टेक्नोलॉजी एक्सटेंशन जो हो रहा है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ, उसका क्या मतलब है? द मिशन एम्स टू रीस्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंथन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मशीनरीज टू इनेबल डिलीवरी ऑफ अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एंड इम्प्रूव्ड एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस टू फार्मर्स। जो हमारी टेक्नोलॉजीज यूज हैं, धीरे 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 उनका रिलेवेंस, क्लाइमेट चेंज होता है, हमारी सॉयल चेंज होती है, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, तो उसके हिसाब से जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे उनका, वो धीरे धीरे किसी काम की नहीं रह जाती। तो उसी लिए क्या कह रहे हैं कि ये जो हमारी स्कीम है, ये क्या कहती है कि वो जो टेक्नोलॉजी इम्प्रूव्ड अब आ चुकी है उनको फार्मर्स तक कैसे पहुंचाएं, उसके लिए चार इन्होंने सबमिशंस बना रखे हैं कि धीरे धीरे करके हमें इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी, जो अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई है, उसको किसानों तक पहुंचाया जाए, एग्रीकल्चर करने के लिए खेतों तक पहुंचाया जाए। इसके लिए उन्होंने क्या प्रोसेस अपनाया है, फिजिकल आउटरीच। जो हमारे साइंटिस्ट हैं, इसीलिए और भी सारी स्कीम्स बनी है कि हमारे साइंटिस्ट लगातार कम्युनिकेट करते रहें हमारे किसानों से, हमारे खेतों से, रेडियो का यूज़ करें कम्युनिकेशन के, जो भी टीवी हो गया या जो भी फोन, जो भी कुछ यूज़ कर सकते हैं वो यूज़ करें। किसान विज्ञान केंद्र इसीलिए बनाए गए हैं ताकि ये जो कम्युनिकेशन है, इम्प्रूव टेक्नोलॉजी जो है हमारे खेतों तक पहुँच सके। सीड्स तरह तरह के, उसमें जेनेटिक चेंजेस किए जा रहे हैं, सीड्स में भी बीज उन्नत प्रकार का बनाया जा रहा है जिनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, वो हमारे खेतों तक पहुंचाई जा सके। तो इसमें ये याद रखना कि हमारी टेक्नोलॉजी, इम्प्रूव टेक्नोलॉजी हम खेतों तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। और इसी के लिए उन्होंने चार ये सब मिशंस यूज़ करे हैं। तो हो सकता है कि सब जो चार मिशंस हैं इनके नाम पूछ सकता है, तो ये नाम देख लेना कब हुई थी, ठीक है। फिर नेशनल प्रोग्राम ऑन यूज ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर एग्रीकल्चर, फिर वही बात, जब से मोदी जी की सरकार आई है उन्होंने मेनली फोकस इस चीज़ पे किया है कि हमारी जो कृषि है, हमारी जो ये एग्रीकल्चर है, उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जाए, ठीक है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि बहुत सारी स्कीम्स ऐसी हैं जिनका मेन पर्पज़ ये है कि टेक्नोलॉजी को कैसे एग्रीकल्चर से रिलेट किया जाए, उनको इसका यूज़ कैसे किया जाए ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके और क्लाइमेट के हिसाब से खेती हो, ताकि जहाँ पे कम पानी है तो ऐसा ना हो कि कुछ टाइम बाद वहाँ सूखा ही पड़ जाए, पानी ही ख़त्म हो जाए। आजकल हम देख भी रहे हैं कि बहुत जगह किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उसका मेन सुसाइड कर रहे हैं, उनका मेन रीज़न यही है कि वो इस तरह की वहाँ खेती होती है कि धीरे 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 करके वहाँ की ज़मीन ही बंजर हो गई है। तो उन सबसे बचने के लिए अब सबको बार बार मुआवजा दे देना, उन वो मर गए तो उनको मुआवजा दे दो, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। वो शॉर्ट टर्म का उनका तो हो गया कि हाँ भाई वो परिवार खुश हो गया, बाकी लोग जो बचे थे वो उस पैसे से कुछ कर सकते थे, पर इसका जो प्रॉपर सोल्यूशन है वो यही है, इस तरह कि किस तरह से टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, किस तरह से क्लाइमेट रेजिलेंट हम लोग खेती करें ताकि इस तरह की नौबत हमारी साइड ना आए, ठीक है। तो ये दिसंबर 2017 में अभी लॉन्च की इन्होंने, स्पेस टेक्नोलॉजी का कैसे यूज़ किया जाए। जैसे अब देख भी रहे हो कि हमारे यहाँ के स्पेस इसरो वगैरह बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो उनका यूज़ हम लोग अपनी खेती में कैसे कर सकते हैं, उसके लिए स्कीम इन्होंने बनाई है, ठीक है। अभी दिसंबर 2017 में लॉन्च हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर एग्रीकल्चर NPSTA। तो NPSTA इज प्रपोज्ड प्रोग्राम, ये अभी प्रोग्राम प्रपोज किया गया है। इसका यूज़ क्या होगा, इंटीग्रेटेड यूज़ ऑफ स्पेस एंड जियो स्पेशियल टूल्स फॉर मैपिंग, मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। जैसे हमारे यहाँ नहीं पता करना होता है कि पूरी इंडिया में देखो कि फॉरेस्ट कवर कहाँ पे ज़्यादा है, जंगल कहाँ पे ज़्यादा है, तो स्पेस की इमेज हम लोग लेते हैं जहाँ पे ग्रीनरी ज़्यादा शो होती, कहते हैं कि ये यहाँ पे फॉरेस्ट कवर बहुत ज़्यादा है, पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हैं। उसी तरह अब यूज़ करेंगे स्पेस टेक्नोलॉजी का कि पानी कहाँ पे बहुत ज़्यादा है या पानी की कमी कहाँ पे हुई जा रही है, कहाँ पे खेती बहुत अच्छी हरी भरी दिख रही है, कहाँ पे नहीं हो रही, इस तरह का स्पेस टेक्नोलॉजी का वो यूज़ करेंगे। जियो स्पेशियल टूल्स वगैरह यूज़ करेंगे, कहाँ पे कब बारिश होने वाली है, बारिश नहीं होने वाली, सुनामी आने वाली क्या है, ये सब चीज़ें यूज़ कर पाएंगे वो, तो उसी हिसाब से खेती की जाएगी ज़्यादा, ताकि
अगर कोई अनहोनी होती है तो नुकसान ना हो, या हमारे पास अगर पानी ठीक ठाक है या क्लाइमेट के हिसाब से खेती करनी है तो हम कर पाएं। ठीक है, इस स्कीम का भी फिर वही मतलब है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज के हिसाब से खेती की जाए। ठीक है, तो ये भी एक तरह का टेक्नोलॉजी है, स्पेस टेक्नोलॉजी, जो इसी के हेल्प के लिए आई है। जो हमारे इससे पहले कुछ प्रोग्राम्स चल रहे थे वो ये बड़े जो ये नेशनल प्रोग्राम ऑफ यूज ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर एग्रीकल्चर है उसके अंडर आ जाएंगे, और इन सभी प्रोग्रामों का इम्प्लीमेंटेशन इस स्कीम के अंडर होगा। जिसे इम्प्लीमेंट करेगा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर। ठीक है, खुद ये डिपार्टमेंट किस मिनिस्ट्री के अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो ये जो पहले के चार प्रोग्राम थे, ये पूछा जा सकता है कि कौन कौन से प्रोग्राम अब इस प्रोग्राम, इस नए प्रोग्राम के अंडर आएंगे। वो है प्रोजेक्ट फसल, प्रोजेक्ट नेड NADMS नेडम्स, जो कि ड्रॉट असेसमेंट के लिए था, ये क्रॉप फोरकास्टिंग के लिए था। ड्रॉट असेसमेंट कि सूखा पड़ने वाला है या सूखा हो गया है, या सूखे से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन दी जाती थी वो इस प्रोजेक्ट के हिसाब से थी। प्रोजेक्ट चमन, इसके बारे में थोड़ा भी बताएंगे भी आगे, कि हॉर्टिकल्चर असेसमेंट एंड डेवलपमेंट। हॉर्टिकल्चर से अभी ये कह सकते हो कि जैसे आम की खेती की जाती है, खेती के पेड़ों पे आम लगते हैं, तो फ्रूट्स का प्रोडक्शन किया जाता है पेड़ों पे, या जिनसे पैसे लोग कमाते हैं, खाने में भी यूज होता है, तो वो हॉर्टिकल्चर हो गया। ठीक है, प्रोजेक्ट किसान, जो क्रॉप इंश्योरेंस की बात की जाती थी कि अगर खेती में कहीं कुछ दैवी, कहीं कुछ घटना जल गई, आग लग गई तो, या कुछ, तो उससे जो नुकसान होता था उसके इंश्योरेंस की बात की जाती थी। तो प्रोजेक्ट किसान हो गया, चमन हो गया, NADMS नेडम्स हो गया जो कि ड्रॉट से रिलेटेड है, और प्रोजेक्ट फसल। ठीक है, ये चारों जो प्रोग्राम थे अब इस टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये सब ड्रॉट वगैरह और क्रॉप फॉरकास्टिंग और इन सब के बारे में बताए गए, तो इसके अंडर आ जाएंगे। सब प्रोग्राम्स भी इसके रखे गए, जैसे क्रॉप असेसमेंट हो गया, मॉनिटरिंग हो गई, एग्रीकल्चर हो गया, एग्रीकल्चरल ये पॉइंट नीचे आ गया है, रिसोर्स मैनेजमेंट, डिजास्टर मॉनिटरिंग, सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन एप्लीकेशंस, इन सब के ये सब प्रोग्राम्स रखे गए ताकि ये सब चीजें इसमें कवर हो सकें, और कुछ एक्स्ट्रा भी किसानों को दिया, जैसे सैटेलाइट कम्युनिकेशन। ठीक है, डिजास्टर वगैरह क्या हो रहा, तो उसकी मॉनिटरिंग कैसे, जैसे सुनामी आ जाती है या कुछ भी आ जाता है, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, बाढ़ आ जाती है, तो सब सारी फसलें बर्बाद हो जाती हैं, तो उनका डिजास्टर में मतलब कितना नुकसान हुआ है, कैसा हुआ, वो सब मॉनिटर किया जा सके। ठीक है, फिर आती है बात पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा स्कीम। फिर वही चीज़ है कि हमें अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, तो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमें प्रॉपर अवेयरनेस होनी चाहिए, हमें नॉलेज होना चाहिए कि कैसे खेती करनी है, क्या फर्टिलाइज़र यूज़ करने हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है। ठीक है, तो 1994 में इसका मतलब स्कीम लॉन्च हुई थी। इसका इम्प्लीमेंटेशन फिर वही इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर कर रहा है। इसकी डिटेल्स की बात करें तो इसका भी वही काम है कि प्रमोट करना एग्रीकल्चरल एजुकेशन। अगर आपको चीज़ें पता हैं तभी आप कर पाओगे, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो अगर आपको इसके बारे में पता होगा तभी आप एग्जाम का क्वेश्चन का सही आंसर दे पाओगे, वही बात है। तो हमें पहले नॉलेज होना चाहिए तब हमें खेती करनी आनी चाहिए। ठीक है, ओके। इसमें कह रहा है कि सब लोग सोचते हैं कि खेती किसानी सब सिर्फ वृद्ध लोग ही जाके खेतों में करते हैं, तो ऐसा नहीं है। यूथ को भी अगर प्रॉपर जानकारी दी जाए तो वो कहीं ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है। ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए फिर वही कृषि विज्ञान केंद्र का यूज़ किया गया है। ठीक, कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में पहले भी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, वही नॉलेज प्रोवाइड करेंगे वो लोग। ठीक है, सॉयल हेल्थ कार्ड दुनिया ऐसे सब, ओके। स्किल प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन, मार्केटिंग ऑफ कोको नट बनाना प्रोडक्ट्स। ठीक, बिल्डिंग इन्वॉल्विंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सब वही काम, सारे काम। ठीक, तो जो भी कुछ अभी हम बात कर रहे थे कि स्कीम्स बनाई जा रही हैं,
तो जैसे नॉलेज ट्रांसफर हो रहा था तो कुछ हो रहा था, तो ये स्कीम बात करती है उस नॉलेज के बारे में जो नॉलेज हमें अदर स्कीम्स के थ्रू किसान को या खेतों तक पहुंचाना है। चलो आगे बढ़ते हैं। परंपरागत कृषि विकास योजना, सभी को पता है कि आजकल जो भी प्रोडक्ट्स हम लोग खा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं उनमें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज हुआ है, बहुत ज़्यादा केमिकल यूज हुआ है जो कि हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। तो इसलिए एक नया प्रोग्राम, कह सकते हैं नया रिवोल्यूशन लाने की कोशिश की जा रही है कि जैसे हम लोग पहले जो अपने परंपरागत तरीके से खेती करते थे कि कंपोस्ट खाद वगैरह फर्टिलाइजर वगैरह होता था जो हम यूज़ करते थे जिससे कि हमारी बॉडी में केमिकल्स उतने नहीं जाते थे, ठीक है, आजकल खराब खाना खाने की वजह से ही जो एवरेज हम लोगों की एज है वो घटती जा रही है और लगातार हम लोग बीमार रहते हैं, ठीक है। तो परंपरागत कृषि वही है, इट प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो पुराने तरीके से हमारे की जाती थी, कंपोस्ट वगैरह यूज़ किया जाता था, और जो उससे प्रोडक्ट होंगे उसे मार्केट से लिंक किया जाएगा। जाहिर सी बात है सभी लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं तो वो क्या करेंगे, ऑर्गेनिक फूड लेना चाहेंगे, तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना भी ज़रूरी है ताकि बहुत ज़्यादा उसकी महंगाई न हो जाए, ठीक है। तो उसको प्रमोट करने के लिए ये योजना शुरू की गई थी 2015 में, ये याद रखना 2015 में पूछा जाता है। इट विल बी इम्प्लीमेंटेड अंडर क्लस्टर बेस्ड अप्रोच एंड फार्मर्स विल बी फंडेड टू बी मीट द एक्सपेंडिचर फ्रॉम, ओके, फार्म में जो कर परंपरागत तरीके से अपनी प्रोडक्ट उगा रहा है कोशिश की जाएगी, मदद की जाएगी फार्मर्स की कि वो अच्छे से अपने प्रोडक्ट को मार्केट तक ले जाएं ताकि नुकसान ना हो, उनमें उसको फायदा हो। जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनको सर्टिफाई भी किया जा रहा होगा कि चेक करके कि ये परंपरागत कृषि की गई है कि नहीं की गई है, तो उसके लिए जो सर्टिफिकेशन का भी काम है तो उसमें किसी भी तरीके का पैसा फार्मर से नहीं लिया जाता, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत असिस्टेंस दिया जा रहा है हमारे फार्मर्स को ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ये खेती करें, ऑर्गेनिक खेती करें, ठीक है। पशुधन संजीवनी, ये भी एक तरह का प्रोग्राम था, ये जो हमारे जानवर हैं उनके लिए कहा गया था चेक करो उनके स्वास्थ्य सही होना चाहिए तभी तो ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क वगैरह और ये सब चीज़ें दे पाएंगे, ठीक है। तो ये बस याद रखो कि पशुधन संजीवनी जो है वो एनिमल वेलनेस प्रोग्राम है, ठीक है। जैसे उनको तबीयत खराब होती है, उनका कुछ प्रॉब्लम होती है तो एक इमरजेंसी हेल्पलाइन बनाई गई है, ठीक है। एनिमल के हेल्थ कार्ड भी, मतलब कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उनको आप दिखाओ, चेक करो कहीं उनको कोई बीमारी तो नहीं है, ठीक है। और तो ये नकुल स्वास्थ्य पत्र जिसे एनिमल हेल्थ कार्ड कहते हैं ये पूछा गया है कहीं एक जगह, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। नकुल स्वास्थ्य पत्र किससे रिलेटेड है, ये एनिमल हेल्थ कार्ड कहे जाते हैं, ठीक है, एनिमल वेलनेस प्रोग्राम है ये पशुधन संजीवनी, ठीक है, ओके। फिर आती है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सबसे ज्यादा बार पूछे गए क्वेश्चंस इसी से हैं। फसल बीमा योजना इसलिए बनाई गई क्योंकि बहुत सारे डिजास्टर्स होते रहते हैं, ड्रॉट हो सकता है, सूखा पड़ सकता है, सुनामी आ सकती है, बाढ़ आ सकती है, तो बहुत सारी नेचुरल कॉजेज भी हो सकते हैं जिससे कि किसान की फसल बर्बाद हो जाती है। तो जब फसल बर्बाद हो गई और पूरी तरीके से जब फार्मर उसी पे डिपेंडेंट है तो क्या करेगा फिर, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि सुसाइड वगैरह करते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्या खाएंगे, भूखों मर जाते हैं, फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसके लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, वो कहते हैं कि फसल का हम आपका इंश्योरेंस करेंगे, दो जैसे कौन कौन सी होती हैं, जैसे कैश क्रॉप होती हैं जैसे कॉमर्शियल हॉर्टिकल्चर वगैरह हो गई, ठीक है, कॉटन जूट वाली जो थी, शुगर केन वाली थी, उनके लिए उनको अलग कैटेगरी वही हॉर्टिकल्चर या कॉमर्शियल क्रॉप कहते हैं, खरीफ हो गई, रबी हो गई, ठीक है। तो उसी के हिसाब से प्रीमियम भी कुछ रखे गए हैं और कि भाई साल में आपको 2% प्रीमियम भरना है बाकी सरकार भरेगी, ठीक है। तो जैसे इंश्योरेंस आप आदमी कराते हो वैसे फसल का इंश्योरेंस होता है, जो भी इंश्योरेंस का होता है उसका 2% किसान को भरना है या 1.5% भरना है या 5% भरना है, बाकी सेंटर भरता है या प्रधानमंत्री स्कीम ही यही है तो सेंट्रल ही भरेगा, ठीक है। तो इस ये याद रखना कि
प्रीमियम कितना कितना है और किस किस के लिए है। ये याद रखो कि खरीफ जो हमारी फसल होती है उसके लिए 2% और जो हमारी रबी क्रॉप्स होती हैं उनके 1.5% प्रीमियम रखा गया है। हॉर्टिकल्चर या कमर्शियल जो हमारे हैं उसके लिए 5% प्रीमियम एनुअल रखा गया है। ठीक है, इसका एजेंडा क्या है, 1 crop 1 rate। खरीफ है तो खरीफ के लिए कोई भी, खरीफ के अंदर जो भी फसलें उगाई जाती हैं वो 2% प्रीमियम ही होगा। अच्छा, इसमें क्या है कि जो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है इन सब क्रॉप्स के लिए उसकी कोई भी अपर लिमिट नहीं है। पहले, इसके पहले जो फसल बीमा योजनाएं आई थी उन सब में कुछ लिमिट रखी गई थी, ठीक है, कि इससे ज़्यादा हम नहीं देंगे सब्सिडी, ठीक है। अच्छा, फार्मर्स को इससे क्या फ़ायदा हुआ कि उनको बहुत कम प्रीमियम भरना पड़ रहा है, उनको फुल इंश्योरेंस इसमें मिल रहा है। अगर आपकी क्रॉप लॉस होती है नेचुरल कैलेमिटीज से या नेचुरल जो प्रॉब्लम्स हो रही ना बाढ़ वगैरह और इनसे, तो आपको पूरी की पूरी फसल का जो आपने इंश्योरेंस कराया पूरा पैसा आपको दिया जाएगा। इससे क्या होता है कि अब किसान जो है खेती उगाने से पहले बहुत ज़्यादा सोचता नहीं कि हमारा क्या होगा, खेत खराब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो अब वो पूरा इंश्योरेंस है उसको, तो वो एग्रीकल्चर को और अच्छे तरीके, तो लोग क्या कर रहे थे, एग्रीकल्चर फील्ड छोड़ के नौकरी करने के लिए शहर आ जाते थे। जब कोई एग्रीकल्चर ही नहीं करेगा तो प्रोडक्टिविटी अपने देश की वैसे भी कम हो जाएगी, ठीक है, तो उसको भी बूस्ट करने के लिए बहुत ही अच्छी योजना है फसल बीमा योजना। इसीलिए बहुत बार एग्जाम्स में हर साल पूछा जा रहा है, ठीक है। तो पहले की जो स्कीम्स थी उनमें प्रीमियम रेट जो थे उनमें कैपिंग थी, मतलब कि इससे इस परसेंट से ज़्यादा हम नहीं देंगे, तो क्लेम्स भी लो होते थे। फुल, जैसे नहीं कह रहे इसमें फुल इंश्योरेंस है, फुल इंश्योरेंड अमाउंट अगेंस्ट क्रॉप लॉस ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज, ठीक है, फुल पैसा मिलता था। इसमें कुछ रेट कैपिंग होती थी, 10%, 20%, 50%, इससे ज़्यादा नहीं देंगे, ठीक। और स्मार्टफोन्स टू कैप्चर एंड अपलोड डेटा ऑफ क्रॉप कटिंग एंड रिड्यूस डिलेज इन क्लेम पेमेंट टू फार्मर्स, ठीक है। अब टेक्नोलॉजीज आ गई स्मार्टफोन कैमरा वगैरह जिसके थ्रू वो कैप्चर कर सकते हैं कि कितना नुकसान हुआ है, उसके हिसाब से उनको पैसा मिलना चाहिए, ठीक है। तो वही सारी डिटेल्स जो अभी हम लोगों ने वहाँ पे डिस्कस करी वो मैंने यहाँ पॉइंट्स में लिख दी हैं, तो आप लोग आराम से देख सकते हो, फिर रिवाइज भी कर सकते हो। यूज ऑफ रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी, स्मार्टफोन्स, ड्रोन्स, एस्टिमेट करने के लिए कि कितना क्लेम हमें देना है, कितनी इसका नुकसान हुआ है, ठीक है। जो क्रॉप लॉस होता है उसके इंश्योरेंस कवरेज उनको देना, यही इस स्कीम का मोटिव है, ठीक है। फिर बात आती है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। कृषि सिंचाई योजना 2015 में लॉन्च हुई थी, ठीक है, और इसके मेन ऑब्जेक्टिव वही है, एक्सटेंडिंग द कवरेज ऑफ इरिगेशन। इस तरह की टेक्नोलॉजीज या इस तरीके से नदियों का निर्माण, नदियां बनानी है हमें या हमें बोरिंग करानी है या वाटरशेड मैनेजमेंट करना है कि किस तरीके से जो सिंचाई की सुविधा है वो हर खेत तक पहुंचाना है, ठीक है। तो एक्सटेंडिंग द कवरेज ऑफ इरिगेशन, हमारी जो सिंचाई का एरिया है बढ़ाना है। वाटर यूज एफिशिएंसी, बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत सारा पानी खेतों को देते रहते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा पानी दे देते हो तब भी खेत को नुकसान ही होता है, तो कम, मतलब जितना आवश्यक पानी है सिर्फ उतना ही दिया जाए ताकि पानी जो है उसकी हमें कमी ना होने पाए। और पानी के लिए जो सोर्स क्रिएशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मैनेजमेंट, ये सब सही से किया जाए। जो ऑन गोइंग स्कीम्स हैं, पहले से जो इसके लिए स्कीम सिंचाई के लिए चलाई जा रही थी, जैसे एक्सेलरेटेड इरीगेशन बेनिफिट प्रोग्राम AIBP, इरीगेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, ऑन फॉर्म वाटर मैनेजमेंट, ये जो स्कीम्स थी वो सारी की सारी अब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंदर आ गई हैं, ठीक है। तो ये याद रखना कि कब लॉन्च हुई थी, इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है, स्टेट इरीगेशन प्लान और डिस्ट्रिक्ट इरीगेशन प्लान मिल के इसको कर रहे हैं, और इसके ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई हमारा सिंचाई का जो एरिया है वो बढ़ाना है, वाटर को बहुत एफिशिएंटली यूज़ करना है, ठीक है, और नए नए रिसोर्सेज हम लोगों को तैयार करने हैं ताकि सिंचाई की प्रॉब्लम ना हो,
पहले से जो तीन प्रोग्राम थे चल रहे थे अब इस स्कीम के अंदर आ जाएंगे। ये याद रखना, ये बहुत पूछा भी गया है और ये फिर पूछा जा सकता है। प्रोजेक्ट चमन जो बात कर रहे थे हम पहले कि वो स्पेस जो टेक्नोलॉजी यूज़ करने वाले हैं उस स्कीम के अंदर आने वाला है, तो जो प्रोजेक्ट चमन था उसका क्या था, स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट टू द हॉर्टिकल्चर सेक्टर, हॉर्टिकल्चर सेक्टर वही कि जो फ्रूट्स वगैरह हम लोग उत्पादन कर रहे हैं ना उसमें फार्मर की इनकम इंक्रीज करनी है तो उसके लिए क्या क्या किया जाए, क्या क्या स्ट्रेटजीज यूज़ की जाएँ। तो इसमें रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है, ठीक है, जो कि मार्च 2018 तक सभी स्टेट्स में इम्प्लीमेंट हो जानी चाहिए, ठीक, उसके लिए टारगेट यही मार्च 2018 ही रखा गया। इसलिए थोड़ा ये प्रोजेक्ट चमन इम्पॉर्टेंट था क्योंकि डेडलाइन इसकी अभी मार्च 2018 में है। और देखो ना, हॉर्टिकल्चर सेक्टर के लिए पर्टिकुलर इसी के लिए बनी थी स्कीम, इसलिए थोड़ा सा और इम्पॉर्टेंट थी। जियो स्पेशल स्टडीज लाइक क्रॉप इंटेंसिफिकेशन, ठीक है, एक्वा हॉर्टिकल्चर, ये सब यूज़ की जा रही है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, ओके। तो प्रोजेक्ट चमन के बारे में याद रखो कि हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है, उसकी डेडलाइन मार्च 2018 तक थी। फिर राष्ट्रीय गोकुल मिशन, द मिशन इज लॉन्च फॉर कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनस ब्रीड्स। हमारे जो देसी, नहीं कहते देसी ब्रीड की ये गाय है, देसी ब्रीड का ये जानवर है, तो उन सब के लिए क्या किया जा रहा है कि हमारे जो पहले प्रोग्राम चल रहा था नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवाइन ब्रीडिंग एंड डेयरी डेवलपमेंट, उसके अंदर ये एक नया प्रोग्राम शुरू किया गया राष्ट्रीय गोकुल मिशन। इसका मेन पर्पज़ यही है कि हमारी जो बोवाइन, मतलब जो हमारे देशी जाति के जानवर हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाए कि ताकि मतलब वो ख़त्म ना हो जाए प्रजातियाँ, और ज़्यादा से ज़्यादा जानवर हमारे पास जो हों वो देसी ब्रीड के हों, ठीक है, ओके। कहते नहीं जर्सी गाय आ गई हैं और गाय बहुत ज़्यादा दूध देती हैं, तो उनके न्यूट्रिएंट्स भी जो प्रोडक्ट में होते हैं बहुत कम होते हैं मिल्क वगैरह में, तो इसीलिए हमारे जो देसी हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन पूछा भी गया, इम्पॉर्टेंट भी है, तो इसको ज़रूर पढ़ लेना कि किस प्रोग्राम के अंडर शुरू किया गया है, इंडिजीनियस ब्रीड से रिलेटेड है, ठीक है, साइंटिफिक जो मैनर यूज़ किए जा रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ओके। इनका इम्प्लीमेंटेशन कौन कर रहा है, स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड्स, ये भी पूछा गया है, और इसका इम्प्लीमेंटेशन के लिए 100% ग्रांटी नेट दिया गया है, ठीक। इसका इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए गोकुल ग्राम इस्टेब्लिश किए गए हैं, गोपालन संघ बनाया गया है, और कामधेनु गोपाल रत्न अवार्ड भी दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको प्रमोट करने के लिए ये चीज़ें चल रही हैं, इम्प्लीमेंट ये कर रहा है, और किस प्रोग्राम के अंडर है इसके, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये। लास्ट है ये रफ्तार, RKVY, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इसे 11th फाइव ईयर प्लान पीरियड में स्टार्ट किया गया था, ठीक है, और इसको 3 ईयर्स, इसको 1920 तक का टाइम दिया गया है, ठीक है। इसका मोटिव क्या है, ये इंसेंटिवाइज करती है स्टेट्स इन एनहेंसिंग मोर एलोकेशन टू एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर टू अचीव 4% ग्रोथ रेट। हम चाहते हैं कि हमारे जो प्रोडक्टिविटी है उसका ग्रोथ रेट 4% से ऊपर चला जाए, इसके लिए क्या करता है ये जो सर जो स्टेट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट है, उनको इंसेंटिव्स देता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एलोकेशन जो है एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ करें फंड्स का, ताकि हमारा ग्रोथ रेट बढ़ जाए, ठीक है, ओके। जो फंड्स हैं उनको कैसे, ग्रांट जो प्रोवाइड की जा रही है वो कैसे दे रहे हैं कि जो भी आप खर्च करोगे उसका 60% सेंटर देगा और 40% आपको स्टेट गवर्नमेंट्स को देना होगा, ठीक है। जो स्पेशल स्टेटस दिए गए हैं स्टेट्स को, जिसमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं और हिमालयन स्टेट्स हैं, उनमें क्या रेशियो होगा, 9:10, ये पूछा जाता है, ठीक है, कि जो स्पेशल सेक्टर्स हैं, स्पेशल स्टेट्स हैं, उनके लिए क्या परसेंटेज रेशियो है
और जो नॉर्मल स्टेट है उनके लिए का परसेंटेज रेशियो। ठीक है, तो आज ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर जितने भी स्कीम्स थी वो डिस्कस हो गई हैं। बाकी की मिनिस्ट्रीज़ के अंदर जो स्कीम्स हैं वो जल्दी ही अपलोड हो जाएंगी। तो अगर आप इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो इस वेबसाइट पे जाओ और वहाँ पे जो करंट अफेयर सेक्टर है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।